17 जनवरी 2023 को शनि देव का, शनि भगवान का, शनि महाराज का, सर्वे सर्वा शनि का कुंभ राशि में, अपनी स्वग्रह राशि में प्रवेश हो रहा है। गोचर का ये अद्भुत संगम आपको लाभ देने वाला है। शनि से कांपे नहीं, शनि कर्म फल दाता है और आपको पैसा ही पैसा देगा। जो अच्छे कर्म करेंगे वो फायदे में रहेंगे और जो बुरे कर्म करते हैं उनको सजा मिलेगी। शनि पनिशमेंट के भी कारक हैं। कर्म फल दाता इसीलिए कहा जाता है, न्यायाधीश की पदवी पर बैठकर अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा कहने का जो साहस रखता है उसको माला माल कर देते हैं, कर्म फल दाता हैं शनि। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बता रही हूँ शनि देव का कुंभ राशि में गोचर जो 17 जनवरी को हो रहा है वो आपको क्या फल देगा और 2023 में आपको क्या क्या मिलेगा शनि देव के द्वारा, इस पर भी संपूर्ण जानकारी देंगे और 12 राशियों का राशिफल भी, किसको ढैया चल रही है, किसको साढ़े साथी चल रही है, संपूर्ण विवरण आपको देंगे। जिस किसको उतरती हुई साढ़े साथी है, जिसको चढ़ती हुई साढ़े साथी है, इसकी भी गणना करेंगे, ढैया की विशेष रूप से आपको चर्चा देंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और आप मिस मत करिएगा क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। शनि से सब कांपते हैं लेकिन शनि कर्म फल दाता है और शनि शुभ फल भी देते हैं। जातक को रंक से राजा बनाने की सामर्थ्य है तो सिर्फ शनि में है, जो रंक को राजा बना देते हैं और माला माल कर देते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार के सपोर्ट, प्यार और सपोर्ट की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए डॉक्टर उमा श्री चैनल पर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आभार भी प्रदर्शित करते हैं। आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं जो आपको फ़ायदा देने वाला है। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करिए। जय शनि देव बोलना मत भूलिएगा। जय शनि देव की हमेशा जय हो, शनि देव की हमेशा जय जयकार हो, ये भी आपको बोलना है। और मानसिक रूप से शनि का जाप हमेशा करते रहें तो आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, हमें आपके लाइक की बहुत ज़रूरत होती है, हमें ये आपका लाइक बहुत अच्छा लगता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत फ़ायदे का है। 17 जनवरी 2023 को जिन राशियों पर ढैया और साढ़े साथी प्रारंभ हो रही है उसका विवरण आपको देना चाहेंगे। कर्क राशि पर ढैया प्रारंभ हो जाएगी 17 जनवरी से, ये चांदी के पाए से होगी। वृश्चिक राशि पे ढैया चालू हो जाएगी जो सोने के पाए पे होगी। मकर राशि पे वर्तमान में साढ़े साथी चल ही रही है और सोने के पाए पर है, उतरती हुई साढ़े साथी है। कुंभ राशि पर भी साढ़े साथी है और तांबे के पाए पर है और हृदय पर है, मध्य की साढ़े साथी है। मीन राशि पर साढ़े साथी चांदी के पाए से है और चढ़ती हुई साढ़े साथी है और मस्तक पे रहेगी। तो ये हमने आपको जानकारी दी किस राशि पर किस पाए से रहेगी और किस कंडीशन में रहेगी। तो कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन वाले लोग, जातक ढैया और साढ़े साथी के प्रभाव में हैं। कर्क राशि के लिए कारोबार धंधे में लाभ होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और स्वजनों से सहयोग मिलेगा। लोगों ने आपको नेगेटिव बताया है लेकिन हम आपको पॉजिटिव फल बता रहे हैं। कर्क राशि वालों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शनि कर्म फल दाता है और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप नकारात्मक चिंतन से बहुत कोसों दूर रहते हैं तो आपको कारोबार धंधे में लाभ होगा, धन धान्य की समृद्धि मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा, मतलब बढ़ेगा और स्वजनों से सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि के लिए मन बेचैन रहेगा, ग्रह क्लेश हो सकता है, लाभ कम, खर्चा अधिक है, रोग पीड़ा हो सकती है, निजी जनों से विरोध हो सकता है और हानि भय रहेगा। लेकिन हम आपको फिर बता दें कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं वृश्चिक राशि वालों तो आपको इसके विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। नेगेटिव में आप पॉजिटिव ढूंढें और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मकर राशि वालों को निजी जनों से विरोध, गुप्त शत्रु से वृद्धि होगी, ग्रह क्लेश होगा, अशांति होगी, रोग पीड़ा होगी और बनते बनते कामों में व्यवधान होंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि मकर राशि वालों का लॉर्ड ही शनि है और कोई भी ग्रह अपनी राशि को परेशान नहीं करता है।
तो कुंभ और मकर राशि का लॉर्ड शनि होने से इनको शुभ फल ही अधिक मिलेंगे। अगर उनके कर्म ही खोटे हैं तो अलग बात है, और जन्म कालिक राशि मकर नहीं कोई और है तो अलग बात है। कुंभ राशि वालों को व्यवसाय के साथ संपत्ति में वृद्धि होगी, सेहत ठीक रहेगी, स्त्री और संतान सुख आपको मिलेगा, इष्ट मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर आपके कर्म इसके विपरीत हैं, आप नकारात्मक काम करते हैं, गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, तो इसके विपरीत परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको ये सब उपलब्धियाँ होंगी। मीन राशि वालों को राज सम्मान मिलेगा, या व्यापार बढ़ेगा, वृद्धि होगी, और किंतु व्यर्थ के खर्चे से आपको नुकसान हो सकता है, लंबी यात्रा से आपको कष्ट हो सकता है, तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और जिन लोगों को साढ़े साथी और ढैया है उनको कर्म फल अच्छे रखने पड़ेंगे, और उपाय भी बताऊंगी वीडियो के लास्ट में जिससे आपको फ़ायदा हो सके। अन्य राशि वालों को, जैसे मेष राशि है, वृष राशि वाले हैं, मिथुन राशि वाले हैं, उनको क्या क्या परिणाम मिलेंगे हम इस वीडियो में अंत में आपको बताएंगे। आज आपको बता रहे हैं शनि के उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। कम्युनिटी पोस्ट में अभी इसके अभी जाके हमारे पॉपुलर अपलोड चेक करिए, जो 6,800 से अधिक की संख्या में हो गए हैं। इनसे आपको फ़ायदा हो सकता है, इनसे आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। शनि ग्रह के नाम से ही लोग काँपते हैं, व्याधि विनाश विकृति से पीड़ित नहीं रहना चाहते, इसलिए आतंकित भी रहते हैं, व्यथित भी होते हैं, और भय में कल्पना का समावेश होता है, जिससे शनि उनको कैसा फल देगा इससे भयाक्रांत होते हैं। तो हम आपको ऐसे उपाय बताने वाले हैं इस वीडियो में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अशुभ फल देने वाले शनि आपके लिए शुभ फल देने लगेंगे, क्योंकि कर्म फलदाता हैं। अपने कर्म खाते मजबूत करिए, अच्छे करिए, तो कोई भी कारण नहीं आपको बड़ी हानि होनी होगी तो छोटी हानि होकर लग जाएगी। बड़ा कोई दुर्घटना होनी होगी, एक खरोच मात्र लग के उस टल जाएगी। ये शनि का प्रताप होता है। शनि कर्म खाते देखते हैं कि किसके कर्म अच्छे हैं, और उसके हिसाब से रिजल्ट आपको मिलते हैं। बड़ी दुर्घटना खरोच में बदल जाती है, बड़ी त्रासदी छोटा रूप ले लेती है, और आपको कोई कष्ट जीवन में नहीं आता है, शनिदेव आप पर मेहरबान हो जाए तो। शनि देव की उपासना करने के लिए आपको ढैया स्त्रोत का जाप करना चाहिए। शनि पीड़ा हर स्त्रोत भी आप जप सकते हैं, शनि आपको कष्टों से मुक्ति देंगे। शनि चालीसा आपको पढ़ना चाहिए, शनि देव के मंत्रों का 23,000 की संख्या में आपको जप खुद करना चाहिए या पंडित जी से कराना चाहिए, इससे आपको मुक्ति मिलेगी साढ़े साथी और ढैया के दुष्प्रभाव से। शनि का दान शनिवार को किया जाता है, जिसमें तिल, काले उड़द, तेल, काला वस्त्र, लोहा, ऊन, कंबल, खड़ाऊ, भैंसा, काली गाय, काला पुष्प, कस्तूरी, नीलम या उसका उपरत्न आपको दान करना चाहिए। आप चाहें तो काला जूता भी दान कर सकते हैं, काला छतरी भी आप दान कर सकते हैं, तवा बाल्टी भी आप दान, चिमटा भी आप दान कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुरूप आपको दान करना चाहिए, अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही आप दान करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। इनमें से जो भी सामग्री आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं तो शनि आपको कुपित नहीं होते बल्कि प्रसन्न होते हैं, और दान भी ली गई सामग्री आपको कंजूसी से नहीं देनी चाहिए, अधिक से अधिक सामग्री देनी चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो सके। शनि का जो दान होता है, दिन में किसी भी समय, मध्याह्न में किसी भी समय आप दान करते हैं तो श्रेष्ठ दान माना गया है, और इसी में आपको दान करना चाहिए। दाहिने हाथ में दान दी जाने वाली सामग्री आपको दान करनी चाहिए, और संकल्प के साथ दान करना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। वैसे तो दोनों हाथों से ही आप दान कर सकते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अपने दोनों हाथों का उपयोग करें, क्योंकि दान श्रद्धापूर्वक दिया जाता है। किसी को गरीब समझ के दान ना देवें, बल्कि वो आपका आप पर उपकार कर रहा है, आपके शनि के साढ़े साथी और ढैया के प्रभाव को कम कर रहा है, तो वो बहुत आपके लिए पूजनीय व्यक्ति है। तो श्रद्धा सहित दोनों हाथों से हाथ जोड़कर उसको दान देवें, और उसके बाद अगर ज़रूरत समझे तो चरण स्पर्श भी करें, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा।
शनि शांति के लिए बहुत सारे स्रोत अवेलेबल हैं, आप YouTube पर देख सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्रोत बहुत काम का है और किसी भी स्रोत का आप जाप करते हैं तो भगवान गणेश की उपासना अवश्य करनी चाहिए, गणेश जी का नाम लेना चाहिए। विघ्नहर्ता आपके हर विघ्न दूर करके आपको सफलता देते हैं। तो शनि दशरथ कृत शनि स्रोत आप YouTube पर सर्च करिए, ये आपको इजीली मिल जाएगा और उसका जाप करिए या सुनिए। स्कंद पुराणोक्त शनि स्रोत भी बहुत काम का है। शनि ग्रह भयावह कष्ट और अशांति देता है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है कि जीवन में कष्ट ही कष्ट जातक के जीवन में आते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए आपको स्कंद पुराणोक्त शनि स्रोत का पाठ सुनना चाहिए YouTube पर, आपको फ़ायदा रहेगा। इस स्रोत का पाठ अगर लग्न में शनि है या अष्टम में शनि है अथवा शनि का अशुभ गोचर है या शनि की कष्टकारक स्थिति है तो आपको समाधान मिलता है और आपको पीड़ा से मुक्ति मिलती है। पिपलाद ऋषिकृत शनि स्रोत भी आप जप सकते हैं, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। शनि देव के इस पिपलाद ऋषिकृत स्रोत का पाठ करते समय उन्हें बार बार प्रणाम करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए कि शनि देव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और शनि देव आपका कष्ट दूर कर रहे हैं। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। अगर नीले पुष्प अर्पित करें और बैंगनी रंग के पुष्प अर्पित करें तो शनि देव की प्रसन्नता में वृद्धि होती है। शनेश्चर स्तवराज स्रोत आप ये भी YouTube पर देख सकते हैं, ये भविष्य पुराण में शनि स्तवराज स्रोत का उल्लेख मिलता है। इसका नियमित आप पाठ करते हैं तो व्याधियों और मुसीबतों से आपकी रक्षा होती है। श्री शनि वज्र पंजर कवच, ये आपके जीवन से हर कष्ट मिटा देता है और सुख में वृद्धि करता है। ये आपको फ़ायदा ही फायदा देता है, जातक को अथा संपत्ति प्रदान करता है ये स्रोत, आपको अवश्य ही इसको जपना चाहिए। अब मेष राशि के लिए बताते हैं राशिफल। मेष राशि के लिए सामान्य रहेगा शनि का ये गोचर, अच्छे फल भी मिल सकते हैं टाइम टू टाइम। वृष राशि वालों के लिए शुभ रहेगा शनि। मिथुन राशि वालों के लिए शुभ फल देगा शनि, कर्क का हम बता ही चुके हैं। सिंह राशि वालों को परेशान हो कर सकता है लेकिन ये उपाय करेंगे तो कम प्रभाव पड़ेगा अशुभ। कन्या के लिए शुभ रहेगा शनि का गोचर। तुला के लिए शुभ रहेगा शनि का गोचर। वृश्चिक के लिए हमने आपको बता ही दिया है। धनु के लिए भी उपाय करने ज़रूरी होंगे लेकिन गोचर की दृष्टि से शनि शुभ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन धनु वालों के लिए नैसर्गिक रूप से शनि अशुभ फल देता है तो उनको थोड़े बहुत उपाय कर लेने चाहिए, इससे ही इनकी बात बन जाएगी। मकर राशि वालों के लिए शनि का गोचर शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर शुभ रहेगा और मीन राशि वालों को उपाय करने से लाभ होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। हमारे चैनल में हमेशा व्यूअर्स सब्सक्राइबर आपका स्वागत होता है। आप इसी तरह से तरक्की करते रहें, आपकी उन्नति होती रहे और शनि देव की कृपा आप पर बनी रहे, शनि देव आपके लिए शुभ फल दें। इसी ब्लेसिंग्स के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करना होता है। सभी सर्विसेज चार्जेबल होती हैं। हमें 25 साल का अच्छा खासा तजुर्बा है। हमारे इस अनुभव का लाभ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए